दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है और आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल होगा कि आप वेटिंग टिकट लेके आप यात्रा कर पाएं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आप वेटिंग टिकट से यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रेलवे के नियम अनुसार बताने वाला हूँ कि क्या आप वेटिंग टिकट से यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे का यहाँ पर दो तरह से टिकट मिलता है। एक, यहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से खुद से टिकट बुक कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों, आप यहाँ पे काउंटर पे जाके टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, आपने जो ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करते हैं, यानी दोस्तों उसको ई टिकट बोला जाता है, आप IRCTC के वेबसाइट पे जाके आप खुद से टिकट बुक कर लेते हैं और आपका टिकट वेटिंग रह जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको साफ क्लियर कर देता हूँ कि अगर दोस्तों आप वेटिंग टिकट ऑनलाइन बुक किए हैं तो फिर दोस्तों उस टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आपने वेटिंग टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे का जैसे ही चार्ट बन जाता है, आपका टिकट यहाँ पे कैंसिल कर देता है, और कैंसिल करने के बाद दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर में आपका पैसा रिफंड दे देता है, अगर दोस्तों आपका टिकट वेटिंग रह जाता है तो। अब बात रहा दोस्तों काउंटर का टिकट। अगर आपने दोस्तों काउंटर पे जाके टिकट लेते हैं तो क्या उस टिकट से आप यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? अगर दोस्तों आपने रेलवे काउंटर से टिकट लिए हैं और आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ट्रेन खुलने से आधा या फिर 1 घंटा पहले जाके आप अपना पैसा वहाँ से रिफंड ले लीजिए। अगर दोस्तों आप वहाँ से अपना पैसा रिफंड लेना नहीं चाहते हैं और आपको यहाँ पे यात्रा करना जरूरी है, तो दोस्तों रेलवे के नियम अनुसार आप यहाँ पे यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा जरूरी है, तो दोस्तों उस टिकट के माध्यम से आप अपना ट्रेन में बच जाइएगा। जिस भी कोच का आपने टिकट लिया है, जैसे कि सेकेंड सीटिंग या फिर स्लीपर का टिकट लिए हैं, तो दोस्तों उस बोगी में जाके आप बैठ जाइएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको सीट तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप यात्रा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने TTA से कम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेलवे के अनुसार आप जो ऑनलाइन टिकट लिए हैं उससे भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, और आप जो काउंटर से टिकट लिए हैं उससे भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, इतना आप जान लीजिए। अगर दोस्तों आपको जरूरी होगा तो आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।